इसका नाम है उपवाक्य। क्लॉज के मेन दो टाइप्स हैं, एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम जानते हैं प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से भी, प्रिंसिपल क्लॉज। अब प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है वो अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है, अगर इसमें जो सेंटेंस आएगा वो कंप्लीट सेंस लेके आएगा। इसे हम जानते हैं मुख्य उपवाक्य के नाम से। अब हम बात करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज की, तो इसे जानते हैं आश्रित उपवाक्य। अब ये आश्रित उपवाक्य क्या है, यहाँ पे एक मेन क्लॉज दिया रहेगा और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज दिए होंगे, ठीक है, मतलब एक सेंटेंस के ऊपर दूसरे सेंटेंस डिपेंडेंट होंगे, तो उसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं देता। इस क्लॉज को कंप्लीट सेंस देने के लिए इसे इस क्लॉज पे डिपेंड होना पड़ेगा, ठीक है, इसके बगैर इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक है, उसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, दैट इज आश्रित उपवाक्य। आप कहेंगे सर ये क्या चीज है, ये है कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है आपके सिलेबस में मोस्टली नहीं है, ठीक है, आपको मेन ये समझना है और आपको ये समझना है। कोऑर्डिनेट क्लॉज में भी देख लेते हैं, इसे कहते हैं सहायक उपवाक्य। जब दो मेन क्लॉज, यहाँ पे दो मेन क्लॉज आते हैं, जब दो मेन क्लॉज आपस में किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं तो उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये हम बाद में देखेंगे, पहले एग्जांपल समझते हैं। एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं यहाँ पे, ही इज पुअर, मैंने कहा एग्जाम्पल ही इज पुअर, तो ये देखते हुए आदमी पड़ रहा है कि ये आपका एक सेंटेंस है, इट इज अ सेंटेंस, ये क्लॉज नहीं है। जब आप देखेंगे कि कोई एक कंप्लीट सेंस देने वाला सेंटेंस दिया हुआ है तो ये सेंटेंस है, ये क्लॉज नहीं है। बट अगर इसी सेंटेंस के आगे हम कुछ और सेंटेंस कंटिन्यू करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या बनेगा। देखते हैं, अगर मैं लिखूं ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, बट ऑनेस्ट, मैंने क्या लिख दिया, ही इज पुअर, तो अब ये तो एक सेंटेंस था, बट ये सेंटेंस अब बन जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये आपका मेन क्लॉज, ये आपका मेन क्लॉज बन गया, बट ऑनेस्ट, पर यहाँ पे जो ऑनेस्ट लिखा हुआ है इसका कंप्लीट सेंस पढ़ने में आ रहा है, ही इज ऑनेस्ट, हम यहाँ पढ़ सकते हैं इसको ही इज ऑनेस्ट। जैसे बता के दिया आपको मैंने कि दो मेन क्लॉज होते हैं, ये भी हमारे देख के बाद बड़ा मेन क्लॉज है, ठीक है, तो ये भी मेन क्लॉज, ये भी मेन क्लॉज है, और इस दो मेन क्लॉज को हम जोड़े किससे हैं, कनेक्ट किससे किए हैं, एक बट से, तो बट क्या है, बट यहाँ पर है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन, तो हम यहाँ पर इसे हम मेन क्लॉज नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे मेन क्लॉज, और यहां से पढ़ेंगे ये हमारा है कोऑर्डिनेट क्लॉज। आप यहाँ पे इसे मेन क्लॉज मत बोलिएगा, ओके, क्योंकि जब ये कोऑर्डिनेट से जुड़ता है तो वहां से पूरा पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और कितने होते हैं, जैसे हमने पढ़ा अभी यहाँ पे बट, वैसे ही एंड, बोथ एंड, बट, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, और, ईदर और, नीदर नॉट, फॉर, एक्सेट्रा, तो ये सारे हमारे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जब इनसे कोई भी दो मेन क्लॉज कनेक्टेड किया गया होगा तो आप कह दीजिएगा कि वहां पर ये है कोऑर्डिनेट क्लॉज, ओके। डिपेंडेंट क्लॉज को हम इस नाम से भी जानते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, और इसके तीन टाइप्स होते हैं,
पहला है नाउन क्लॉज, उसे जानते हैं हम संज्ञा उपवाक्य के नाम से। दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज, उसे हम जानते हैं विशेषण उपवाक्य के नाम से। और तीसरा है एडवर्ब क्लॉज, जिसे हम जानते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य के नाम से। ठीक है, अब हम पहला पढ़ने जा रहे हैं नाउन क्लॉज किसे के। नाउन क्लॉज को हम जानते हैं संज्ञा उपवाक्य के नाम से। नाउन क्लॉज की सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वो इन शब्दों से होती है, जैसे कि दैट, हाउ, व्हाट, why, whatever, when, where, whether, if, which, who, whoever, whom, whomever, and whichever, इन सब शब्दों से noun clause की शुरुआत होती है। Noun clause जो है वो answer देता है the questions like who, what, और whom। इन तीन शब्दों का noun clause answer देता है। जो हम पूछते हैं asked to the verb in the main clause, main clause में जो भी verb दिया है उसको लेके हम तीन तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, who से, what से या whom से। इन तीनों का प्रश्न का उत्तर noun clause देता है। जब आपको कभी भी आप प्रश्न पूछोगे main clause के verb में, जो आपको answer आएगा वो होता है noun clause। हमने भी example लिया है, she knows that there is no shortcut to success। तो यहाँ पर मालूम पड़ा, देखिए कि ये she knows जो है ये आपका complete sentence दे रहा है, वो जानती है, कुछ भी जानती होगी। she knows ये आपका main clause है, it is a main clause of this particular sentence। ठीक है, now that there is no shortcut to success, अब that से condition किया हुआ है, that there is no shortcuts to success। तो यहां से लेके हम जब sentence पढ़ रहे हैं तो ये हमारा बन गया एक subordinate clause। अब subordinate clause में ये कौन सा clause है, ये noun clause है, adjective clause है या adverb clause है, भी सीखते हैं। हमने यहां पढ़ा कि noun clause जो है इन तीन शब्दों से उठे हुए प्रश्न का उत्तर देता है। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं what से, तो हमने बोला यहाँ पे what, what, what लिखने के बाद में देखो यहाँ पे knows में does लगा हुआ है, तो what does she know, what does she know question mark। जब इस प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा कि there is no shortcut to success, ये आपका subordinate clause था और इस subordinate clause में वो बन गया noun clause। इस प्रकार से हम पहचानते हैं। तो आइए समझते हैं कुछ और एग्जांपल। noun clause को बेटर समझने के लिए हम समझते हैं, पहले ये तीन पार्ट समझना होगा हमें। noun clause में as subject of the verb, as subject of the verb, as object of the verb, और थर्ड है एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। अब यहां पर देखते हैं एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या है। एक सेंटेंस दिया, इसके अंदर एग्जांपल लिया, व्हेन ही विल कम इज अनसर्टन, तो ये आपका है मेन क्लॉज और ये जो पार्ट है ये आपका है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब हमें देखना होगा यहां पे हम क्वेश्चन पूछते हैं यूजिंग द वर्ड व्हाट, who और when से। ये जो main clause है और यहाँ पे verb दिया है is, तो हम पूछेंगे what is uncertain, या question पूछेंगे what is uncertain, क्या बात uncertain है। तो यहाँ पे हमें answer मिलेगा when he will come, वो कब आएगा ये बात uncertain है। तो हमें मालूम पड़ गया यहाँ पे as subject of the verb, इस sentence में subject, ये subject part में आ रहा है, तो subject of the verb को indicate कर रहा है, तो ये हमारा है noun clause। देखते हैं other example as object of the verb, sentence देखते हैं the judges accepted the proposal, judges लोग ने proposal को accept किया। अब यहाँ मालूम पड़ रहा है कि ये complete sentence दे रहा है, तो ये हमारा है main clause, okay? आगे दिया है that they had made a blunder, कि उन्होंने कुछ blunder किया हुआ है, तो ये आपका बन गया subordinate clause। दोस्तों जब main clause दिया हुआ है इसमें आपको एक verb मिला आपको accepted, अब accepted जो मिला है verb, ये verb जो है यहाँ जो accepted जो verb है ये आपका transitive verb है, ये transitive verb है। ये transitive verb क्यों है,
क्योंकि इस वर्ब के तुरंत बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है द प्रपोजल, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब जब होगा तो उसके बाद में जो भी सबॉर्डिनेट क्लॉज आएगा वो होता है एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जब ट्रांजिटिव वर्ब होगा उसके बाद में जो भी सबॉर्डिनेट क्लॉज आएगा वो होगा एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इस बात को ध्यान लीजिएगा, गांठ मान लीजिए। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछना यूजिंग द वर्ड व्हाट, हमने बोला व्हाट डिड द प्रपोजल द जजेस एक्सेप्ट, व्हाट डिड द प्रपोजल द जजेस एक्सेप्ट। तो यहाँ पे आएगा दैट दे हैड मेड अ ब्लंडर, दिस पार्ट विल कम इन द आंसर। तो ये आपका बन गया नाउन क्लॉज, ये आपका बन गया नाउन क्लॉज, यहाँ पे बन गया था नाउन क्लॉज, ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड एक एग्जाम्पल, यहाँ पे एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, यहाँ पे एक मेन क्लॉज होगा, मेन क्लॉज के तुरंत बाद यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आएगा। इसे पढ़ते हैं, इट सीम्स, ऐसा लगता है, इट सीम्स, ये आपका बन गया मेन क्लॉज। अब क्या लगता है, दैट ही वुड नॉट पास, कि वो पास नहीं होगा। तो ये देखे मान पड़े हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज है। अब हम यहाँ पे जो भी यहाँ पे सिम्स, यहाँ पे मेन वर्ब है, सिम्स यहाँ पे वर्ब है, पर सिम्स के बाद भी तुरंत यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो ये आपका है इनट्रांजिटिव, ये आपका इनट्रांजिटिव वर्ब है। और इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद में जो भी सबॉर्डिनेट क्लॉज बनेगा वो बनता है एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, वो बनता है एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। यहाँ पे था ट्रांजिटिव वर्ब और यहाँ है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद में जो भी यहाँ पे सबॉर्डिनेट क्लॉज बनेगा वो होगा एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। हमें क्वेश्चन पूछते हैं यूजिंग द वर्ब सेम, तो ये हम लोग यहाँ पे व्हाट, व्हाट, अब यहाँ पे हेल्पिंग डज लगा, तो व्हाट डज इट सीम, व्हाट डज इट सीम, तो हम बोलेंगे दैट ही वुड नॉट पास, क्या लगता है ऐसा, ऐसा लगता है कि वो पास नहीं होगा। ओके, तो ये आपने देखा अभी नाउन क्लॉज, हमने तीन एग्जांपल से हमने नाउन क्लॉज को कंप्लीट किया। अब देखते हैं सबॉर्डिनेट क्लॉज का एडजेक्टिव क्लॉज, हम जानते हैं विशेषण उपवाक्य के नाम से। इसमें एडजेक्टिव क्लॉज की शुरुआत होती है इन शब्दों से, when, who, whom, whose, that, which और where, इन शब्दों से यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज की शुरुआत होती है। एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो उत्तर देता है, आंसर देता है उन क्वेश्चंस का, इन द वर्ड विच और व्हाट काइंड ऑफ, विच और व्हाट काइंड ऑफ। यहाँ जो मेन क्लॉज के अंदर, द मेन क्लॉज, इन द मेन क्लॉज में जो भी नाउन या प्रोनाउन लिया होगा उन उनके ऊपर हम विच या व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन पूछेंगे, और जो आंसर हमें मिलेगा वो होगा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। समझते हैं एक एग्जांपल से, शी वियर्स अ ड्रेस, शी वियर्स अ ड्रेस, ये देख के मालूम पड़ रहा है हमारा मेन क्लॉज हो गया। ओके, अपने कंप्लीट सेंस दे रहा है, विच हैज गोल्डन एम्ब्रॉयडरी, जिसमें गोल्डन सुनहरे कलर की एम्ब्रॉयडरी की हुई है। अब ये देखा मैं पढ़ी, हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज है। हम देखे अब मेन क्लॉज में, तो यहाँ पे शी एक प्रोनाउन है और एड्रेस यहाँ पे क्या है, एड्रेस यहाँ पे नाउन है। तो अब हमें यहाँ पे पूछना है क्वेश्चन बाय यूजिंग द वर्ड विच या व्हाट काइंड ऑफ से पूछना है। तो हम बोलेंगे व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस, यहाँ पे वियर्स में डज लगा है, तो व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डज शी, यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब हम क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डज शी वियर, वो किस प्रकार का ड्रेस पहनी है, तो हमें आंसर मिलेगा विच हैज गोल्डन एम्ब्रॉयडरी, जिसमें गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी की हुई है वो ड्रेस वो पहनी हुई है। तो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है उस किसी भी नाउन या प्रोनाउन को। हम जानते हैं कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम कहें एडजेक्टिव। यहाँ पर ड्रेस की क्वालिटी बता रहा है कि किस प्रकार का ड्रेस पहनी हुई है, वो उसने पहनी है जिसमें गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी की गई है। तो आई होप आपको एडजेक्टिव क्लॉज समझ में आया होगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि क्लॉज क्या होता है और क्लॉज के कितने टाइप्स होते हैं।
फिर हमने देखा कि सबॉर्डिनेट क्लॉज के अंदर तीन क्लॉज होते हैं, पहला क्लॉज होता है नाउन क्लॉज, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। हमने नाउन क्लॉज और हमने एडजेक्टिव क्लॉज को कंप्लीट किया, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एडवर्ब क्लॉज। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को पसंद आया होगा, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं नेक्स्ट वीडियो की। जल्दी मिलते दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।